आज नवरात्रि का आज आठवां दिन है। आज महागौरी की उपासना की जाती है। इनका विशेष महत्व है। इनकी उपासना करने मात्र से जितने पाप संचय रहती हैं सारे नष्ट हो जाती हैं। भविष्य में कभी भी पाप ऊपर मतलब है भी नहीं हो सकती। इनकी आराधना पूर्ण करने से सारे पाप मिट जाती हैं। नवरात्रि में बढ़िया इनकी उपासना आराधना की जाती है और सारे पाप धुरमिल नष्ट हो जाती है। महाराज जी, आज मंदिर में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, इस पर किस तरीके से मंदिर प्रशासन इस भीड़ को कंट्रोल कर रहा है और कैसे इसको नियंत्रित करेगा? जी, जैसे कि सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही मंदिर खोला जा रहा है। मुँह में मास्क लगा के ही अंदर प्रवेश किया जा रहा है। वहाँ गेट पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, गोलाकार बने हुए हैं, गोला से मतलब व्यक्ति आ रहे हैं और माता बहनें कभी कभी आगे पीछे हो जाती हैं तो पुलिस प्रशासन भी सहयोग दे रहे हैं पूर्ण रूप से और हमारा मंदिर का जो भी स्टाफ है वो भी पूर्ण रूप से व्यवस्था में लगा हुआ है। मंदिर में गर्भगृह आज भी बंद है, खोला नहीं गया है। कोरोना की महामारी देखते हुए बाहर से दर्शन करवाए जा रहे हैं। फूल अगरबत्ती जो भी है उनको स्पर्श है, नारियल भोग प्रसाद है, स्पर्श करवा के पुनः वापस दे दिया जा रहा है। आने वाला गेट अलग है, जाने वाला गेट अलग है और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही बाहर उनको निकाला जा रहा है। बैठने की यहाँ कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं राधेश्याम गिरी, माँ अलोक संगी शक्तिपीठ मंदिर प्रयागराज।